हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। साथियों, मंगल सर फिर से संघर्ष करना पदवृद्धि की ओर चालू कर दिया है, तो अपनी एक टीम लगातार यहां संघर्ष कर रही है एमपी डेट संघर्ष समिति में, और दूसरा मंगल सर लगातार प्रयास करने लगे हैं फिर से। आचार संहिता खत्म होने के बाद, नई कैबिनेट का गठन होने के बाद मंगल सर का प्रयास फिर से जारी हो चुका है। तो आज मंगल सर पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी मिले और नए मुख्यमंत्री जी से भी मिले, यानी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी मिले और नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी मिले। तो देखिए, शिवराज सिंह से जो मिले, मैं आपको वो फोटो दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से ये टीम की मुलाकात हुई और टीम ने अपना पक्ष रखा और सारी बातें हुई। मंगल सर भी इसमें थे, उनकी फ़ोटो नहीं आ पाई क्योंकि फ़ोटो क्लिक करने में लगे हुए थे। तो ये आप देख सकते हैं मंगल सर के द्वारा, वहाँ की उन्होंने वीडियो बनाया है। अब वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देखिए। अच्छे से रखा है, अच्छे से उन्होंने सुना है, पढ़ा भी है, उन्होंने अपने जो ज्ञापन दिया वो अच्छे से पढ़ा भी है।
तो पदोन्नति को लेकर अच्छी कुछ अपडेट हमने उनको अवगत करा दिया, संज्ञान में उनके ला दिया है। अब फाइनली वो क्या अगले कैबिनेट में उसको करेंगे पूरा, क्या हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके बारे में देखते हैं और उसके बारे में मतलब आगे और एक्टिव रहते हैं। वो सभी साथी इस चीज़ का संपर्क करते रहें और वर्तमान में जो भी साथी एक्टिव हैं वो अपने अपने विधायकों को और अपने अपने जो सांसद हैं उनको जरूर दें, ठीक है। और उज्जैन के जो साथी हैं उसका विशेषकर उनसे अनुरोध है कि आपके क्षेत्र के सीएम हैं, आप थोड़ा सा उन पर फोकस करिए, अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा बार रखवाइए, और जिससे क्या है वो क्या क्षेत्र की भावना के साथ अच्छे जुड़ेंगे तो वो पूरे मध्य प्रदेश को लेकर काम करेंगे। लेकिन वहाँ से जो क्षेत्र की तरफ से जो अपनी बात जाएगी, प्राथमिक शिक्षा की पद्धति की जो मांग जाएगी, जो आश्वासन पूर्व शिक्षा मंत्री दे चुके थे, और साथ में प्रमोशन की और रिटायरमेंट की बात भी रखनी है क्योंकि 30,000 से ज़्यादा पद खाली हुए हैं, है ना, तो उस चीज़ को रखना है जिससे वो अच्छे से मतलब उस पर संज्ञान लें। तो सभी साथियों से यही अनुरोध है अच्छे से मतलब उस पर संज्ञान लें। तो सभी साथियों से यही अनुरोध है कि देखो संघर्ष जारी है, जारी था और अभी भी जारी है, और हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन हो। देखो किसी को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं समझ सकता हूँ कि अब रोज की अब एक एक दिन बड़ी मुश्किल से करता है। अब ये देखो कि मतलब बहुत टफ होता है कि अपने आप को मैनेज करना, फिर भी किसी भी तरीके से एक्टिव रहने की ज़रूरत है, मोटिवेट रहने की ज़रूरत है, जिससे अपन अपने संघर्ष के लिए लड़ सकें, समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोगों का सिलेक्शन ले सकें। क्योंकि इसी भर्ती के बाद अगली भर्ती का अपना कोई नोटिफिकेशन का पता है ना कुछ पता है, आश्वासन अपनी मर्जी से भले लगाने की अब आएगी लेकिन कब आएगी ये कोई कन्फर्म नहीं है। तो सभी साथियों से ये अनुरोध है कि निरंतर नए मुख्यमंत्री जी से मिले और उनसे चर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके संज्ञान में लेकर आए। तो मुझे लगता है कि वो शिक्षा पे ज़्यादा जोर देंगे, वो शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है वो अपनी बात को जरूर माने, क्योंकि अपनी जो भर्ती प्रक्रिया है वो प्रचलन में है। अपनी भर्ती प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि समाप्त हो गई, अपनी भर्ती प्रक्रिया अभी भी कई मामलों में उलझी हुई है, कई चीज़ें उलझी हुई हैं, तो भर्ती प्रक्रिया भी निरंतर जारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अगर मेहनत कंटिन्यू करेंगे तो जरूर सफलता बिल्कुल नज़दीक है। तो थोड़ा एक्टिव मोटिवेट रहने की ज़रूरत है, साथ में निरंतर संपर्क की भी ज़रूरत है, निरंतर उनको अवगत कराते हैं, ठीक है। तो सभी साथियों को ये महत्वपूर्ण अपडेट थी मैंने दे दी है। तो फाइनली हम आज पूर्व सीएम से मिले तो मिले, लेकिन नए शिक्षा मंत्री जी से पहली मुलाकात आज हमारी हो चुकी है, और जहाँ तक हम ज्ञापन का उन्होंने पढ़ा तो हमने ये भी बोला था कि सर पहले कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, सेकंड कैबिनेट की मीटिंग में, दूसरी कैबिनेट की मीटिंग में आप हमारे इस प्राथमिक शिक्षक के पद जो हमारी पदों की मांग है, जो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के, उस पर आप जरूर संज्ञान लें। उन्होंने जरूर आश्वासन दिया है, जो भी होगा बाकी अपडेट और आपको मिलती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।